अउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वेलकम टू दी टॉकिंग पॉइंट्स विद फवाद अहमद। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं अगर हज़ारों मोती और हीरे भी ला के उन लफ्ज़ों के बराबर तोलूँ और उनसे उनकी तारीफ़ करूँ तो शायद कम होगी, तो इसलिए मैं डायरेक्टली उनकी तरफ जाना पसंद करूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा इकबाल के पोते मुनीब इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसी मिजाज हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया, आज के दिन में मसरूफियत में से वक्त निकाला। सर, इकबाल के हवाले से हर जगह हर तरह की बात हो रही होती है, लेकिन हमने, आपने भी नोट किया होगा, मैं एज ए स्टूडेंट भी ये नोट करता हूँ कि हमने इकबाल को एक खित्ते तक महदूद कर दिया। शायर मशरिक तो कहा, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि मशरिक में कौन कौन सी जगह क्या क्या आती है। हमने सिर्फ पाकिस्तान या शायद सियालकोट या शायद लाहौर तक महदूद कर दिया, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए इस हवाले से? देखिए, हज़रत अल्लामा इकबाल का पैगाम जो था वो अलबत्ता एक हद तक था तो मुसलमानों, बरे सगीर के मुसलमानों के लिए, जो उर्दू का पैगाम है उनका, और जो उनका फारसी का कलाम है वो उर्दू के कलाम से तकरीबन दुगना है। बिल्कुल। और वो ना ही सिर्फ ईरान और अफगानिस्तान में पढ़ा और समझा जाता है, बल्कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा, जब से वो रूस से, उन तसल्लुत से आज़ादी हुई है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अल्लामा साहब का कलाम पढ़ा और समझा जाता है, क्योंकि बुनियादी तौर पर उनकी ज़बान फारसी है, सिर्फ उनकी जो लिखने की स्क्रिप्ट है वो रूसी दौर में तब्दील हो गई है, वरना वो सारे फारसी पढ़ते और समझते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी फारसी की कुलियात इकबाल छाया होती हैं, यहाँ से वो उठा के उधर ले जाते हैं, सेंट्रल एशिया ले जाते हैं। तो अल्लामा साहब का पैगाम जो है वो किसी मुल्क या किसी कौम या किसी तबके का या ग्रुप का मोहताज नहीं है, वो खुद ब खुद खुशबू की तरह हर जगह फैल जाता है। तो अल्लामा साहब का पैगाम तो आफाकी है, वो सारी दुनिया में फैला हुआ है, चाहे हमारी हुकूमत उस पर तवज्जो दे ना दे, हुक्मरान उनके बारे में सोचें ना सोचें, छुट्टी करें कैंसिल करें, अल्लामा साहब हर दुनिया के शख्स के दिल में, जहाँ तक उनका कलाम पहुँचता है उसके दिल में वो ज़िंदा हो जाते हैं। और ये सिर्फ उर्दू का नहीं है, फारसी का नहीं है, इंग्लिश में भी अल्लामा साहब पे लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, काम करते हैं। मैं 5 साल बैरून मुल्क तालीम हासिल करता रहा हूँ, मैं जहाँ पे भी अपना नाम किसी को बताता था लोग मुझसे पूछते थे कि आपका अल्लामा इकबाल से कोई ताल्लुक है, अल्लामा साहब से कोई ताल्लुक है। उनको भी अमरीका में, यूरोप में, जो कि उर्दू या फारसी का जहाँ तक कोई ताल्लुक नहीं है, उन लोगों को भी अल्लामा साहब का इल्म है। आपको अल्लामा इकबाल साहब का हम शक्ल भी तकरीबन कहा जाता है, और आपको उनके बाद उनकी तालीम को आगे बढ़ाने वाला सबसे बेहतरीन शख्स भी कहा जाता है। आपकी तो, जरा जी, तो इस हवाले से आपने, मैं चाहता हूँ आप बताएं कि आपने क्या कुछ इकबाल की तालीमात को आगे पहुँचाने के लिए किया है, क्या स्टेप्स लिए हैं? मैं तो कोशिश ही कर सकता हूँ जी, लोगों का समझना और पढ़ना और समझना तो उनकी, और उस पर अमल करना तो उनकी अपनी स्वाबदीद है, उसमें तो मैं उनको मजबूर नहीं कर सकता। पर बात यह है कि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, जिन लोगों से भी मिलता हूँ, हज़रत अल्लामा इकबाल के लिए लोगों के दिलों में इतनी ज़्यादा अकीदत और मोहब्बत है, खसूसी तौर पे नौजवान नस्ल के दिलों में, कि मेरा काम तो बहुत आसान है, जो भी मुझसे लोग पूछते हैं मैं उनको जवाब दे देता हूँ, और वो बहुत तवज्जो से सुनते हैं, मेरी दुआ और उम्मीद है कि उस पर अमल भी करें, पर मुझे तो कभी कोई रुकावट नहीं महसूस होती, सिवाय ऑफकोर्स ऐसे लोग हैं अल्लामा साहब से हसद करने वाले, अल्लामा साहब के मुखालिफ, अल्लामा साहब को नापसंद करने वाले, ज़्यादातर एक मखसूस ग्रोह या तबके से उनका या मकतबा फ़िक्र से उनका ताल्लुक होता है, पर ओवरऑल ज़्यादातर 99.999% जो है लोग, उनके दिलों में इतनी अकीदत और मोहब्बत है अल्लामा साहब के लिए कि मैंने आज तक किसी अपने दौर के रिसेंट सालों के शख्स के लिए इतनी मोहब्बत और अकीदत नहीं देखी। मैंने एक जुमला सुना था कि इकबाल को समझने के लिए इकबाल बनना पड़ता है, तो इस हवाले से सर, अल्लामा इकबाल ने फारसी में भी शायरी की, आपने जैसे बताया अंग्रेज़ भी उनको पढ़ते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के लोग भी उनको पढ़ते हैं, लेकिन इकबाल ने उर्दू पे बड़ी प्रमोशन उसकी कहूँ तो की है, उर्दू लैंग्वेज की, उसकी क्या वजह थी खास कि खास लैंग्वेज पे, हालांकि वो खुद पंजाबी थे? हाँ जी, पर ये एक तो मेरा जहाँ तक ज़ाती व्यू है, अल्लामा साहब ने ही कायदे आज़म को मशवरा दिया था कि कौमी ज़बान, जो नई मुजव्वज़ा रियासत है उसकी कौमी ज़बान उर्दू होनी चाहिए। मेरा इसका सबूत मेरे पास कोई नहीं है, मेरा अपना तासुर ये है, मैं अल्लामा साहब को कई दफ़ा ख्वाब में भी देख लेता हूँ, तो एक दफ़ा मैंने उनको ख्वाब में देखा तो मैंने उनसे पूछा कि, क्योंकि अल्लामा साहब के बारे में मशहूर है कि फारसी के बड़े शायर थे, फारसी जानते थे, बट बात फारसी में नहीं करते थे, फारसी स्पीकिंग शख्स से बात फारसी में नहीं करते थे, उर्दू में बात करते थे और मुतरजम उसका तर्जुमा फारसी में करता था, तो ज़्यादातर उर्दू पे उन्होंने तो उर्दू जो थी उस ज़माने में मुसलमानों की, बरे सगीर के मुसलमानों की या इलीट की ज़बान थी, अलीगढ़ में पढ़ाई जाती थी,
जहाँ पे भी मुसलमान रहते थे वो उर्दू पढ़ते समझते, बंगाल में उर्दू पे बहुत ज़्यादा काम उस जमाने में, अलामा साहब की शायरी बंगाल में बहुत मकबूल थी, वहाँ पे उर्दू पढ़ते थे लोग, क्योंकि बड़े सगीर के मुसलमानों की कल्चरल इलीट की ये ज़बान थी। इकबाल से पहले सर सैयद अहमद ख़ान आए, उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेज़ों से मुकाबला करने के लिए इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। फिर इकबाल आए, उन्होंने कहा नहीं, हमें उर्दू की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, एक कौम को तामीर करना था। मेरा ये सवाल था कि आज हम रोल मॉडल तो अपना इकबाल को कहते हैं, लेकिन बात हम वो ज़रा पिछली वाली मान रहे होते हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, ये तो दोनों चीज़ें एक तरह से अहम और ज़रूरी हैं, अपनी कौमी ज़बान, अपने कौमी तशख़्स और जो हमारे मुल्क के लोग हैं उनमें इत्तेहाद कायम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश सीखना और समझना दुनिया में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए ज़रूरी है। अब मैं आपके सामने ईरानियों का एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। खुददार कौम जब पैदा होती है, एक ईरान का दौर था जब ईरान में एक शाह हुकूमत करता था, जहाँ पर वो आप तो भी छोटे हैं, आपने वो दौर देखा नहीं है, आप उस दौर का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना वेस्टर्नाइज्ड ईरान था। अब जब से इमाम खुमैनी का इनकलाब आया है, तब से ईरान का एक बिल्कुल नया रुख निकला है, जहाँ पर वो खुददार कौम बन गए हैं, अपनी कौमी ज़बान पर फ़ख्र करते हैं। अब अमेरिका में जाके ईरानी जो सफारतकार हैं, वो जब उनसे टीवी में या जाते हैं जगहों पे जाते हैं, वो फारसी में बात करते हैं। उनको अंग्रेज़ कहते हैं कि यार आप सारी उम्र अमेरिका में पढ़े हुए हो, आपको अंग्रेज़ी आती है, आप फारसी में क्यों बात कर रहे हो? कहते हैं हमारी कौमी ज़बान है, हम कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम फारसी में इसलिए बात कर रहे हैं। तो हमें भी अल्लाह ताला ये तौफीक अता फरमाए कि हम अपनी ज़बान पर इतना फ़ख्र करें कि हम हर जगह जाके उर्दू बोला करें, जिस तरह इकबाल ने किया था। ऑफ कोर्स उसके बाद जहाद के टॉपिक पे ना इकबाल ने बड़ा, अगर आप शिकवा नज़म पढ़ें, बड़ी मशहूर नज़म, तो उसमें काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो जहाद के टॉपिक पे है, तो आपके उस हवाले से क्या व्यूज़ हैं? क्या आप उनसे एग्री करते हैं, या आज के दौर में वो जो जहाद की बात थी वो किस हद तक इम्प्लीमेंट होनी चाहिए? जहाद कोई सिर्फ तलवार और बंदूक के साथ नहीं होता, जहाद इंसान के अमल के ज़रिए भी होता है। सबसे पहला जहाद जो होता है वो इंसान को अपने अंदर करने की ज़रूरत होती है, जो इंसान की अपनी क्या उसको कहते हैं शैतान जो जज्बात इंसान के दिल में पैदा करता है, उनसे जंग करना या जिहाद करना वो अवलीन इत्तदा होती है। तो इंसान की एक तरह से जो ज़िंदगी होती है वो भी एक जिहाद होती है। जिस तरह आजकल के हालात में हर मुसलमान की ज़िंदगी एक तरह से इस्लाम की सुरबुलंदी के लिए जिहाद है, तो वो जहाद तो हर दौर में कायम और दायम रहता है, चाहे वो तलवार से हो, चाहे वो कलम से हो, चाहे वो ज़ुबान से हो, वो तो जारी और सारी रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। पाकिस्तान में तीन तरह के तबके हैं, एलीट क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, तीनों में इकबाल की फ़िलासफ़ीज अलग अलग हैं या सेम हैं? आप क्या समझते हैं इस हवाले से, तीनों में ज़रा अलग अलग तरह की बातें सुनने को मिलती है? नहीं, एलीट वाले तो अलामा साहब की परवाह ही नहीं करते, उनको वो अपने उनके अलमिया हर किसी की जितनी अपनी स्वाबदीद होती है, किस्मत होती है, उसको उतना ही अलामा साहब का पैगाम पहुंचता है। मुझे ये इस बात पे हमेशा बहुत खुशी होती है और फख्र होता है कि जो मिडिल क्लास नौजवान नस्ल है उसमें अलामा साहब पूरी तरह से समाये हुए हैं, और जो अब लोअर क्लास, तो मैं किसी को नहीं कहूँगा, मेरे नज़दीक कोई लोअर क्लास नहीं है, या एलीट है या असल तबका है, मुतवसत तबका जिसको आप कह लें, वर्किंग क्लास कह लें, असल तो हमारा असासा वो लोग हैं। एलीट क्लास तो 1-2% है जो किसी ठंडे कमरे में या ठंडे मुल्क में बैठ के हम पे हुक्मरानी करती है। असल तो हमारा असासा जो है वो हमारी कौम है, मिडिल क्लास के लोग हैं, आम लोग हैं। अलामा साहब ने जो कुछ भी किया था, शायरी, सोच, फिक्र उनका, वो मेरे या मेरे बाप के लिए, मेरे वालिद के लिए नहीं था, वो आप लोगों के लिए था, आपकी एलीट के लिए नहीं था। आपकी एलीट तो अंग्रेज़ के दौर में भी बहुत खुश और मुतमइन थी, अंग्रेज़ चला जाता तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ साजबाज करके अपना मर्तबा बहाल रखना था। जो बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, वो मुसलमान मुतवसत तबका था, आम शहरी थे, आम लोग थे। अलामा साहब का सारा पैगाम, सारा मकसद आम लोगों के लिए है, किसी इलीट या किसी अपने ख़ानदान या किसी और के ख़ानदान के लिए नहीं है। अलामा साहब ने इल्म और इश्क में जो है वो इश्क को बड़ी फोकियत दी है, जैसे उनका शेर है कि इश्क पर आमाल की बुनियाद रख, अक्ल को तनकीद से फुर्सत कहाँ, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि आज के दौर में तो इस तरह के मामलात नहीं है वो इल्म? लेकिन पहली बात जो है वो, जब आप हज़रत अल्लामा के कलाम में इश्क का लफ्ज़ पढ़ते हैं ना, तो उसका मतलब ही इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है।
तो मुझे तो उसकी कमी कहीं पे भी नजर नहीं आती। इल्म के सामने तो इल्म तो जज्बा इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ भी नहीं है। इल्म हासिल करने के लिए तो ठीक है किताबें लोग पढ़ते हैं डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, पर जो जज्बा इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो तकरीबन हर मुसलमान के दिल में गैर मुस्लिमों के दिल में मौजूद। जस्टिस एक होते थे हिंदू राणा भगवान दास, नाते लिखते थे इतने बड़े आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि अल्लामा इकबाल के जाए पैदाइश सियालकोट वाले घर में गए तो जूतियां उन्होंने दरवाजे पे उतार दी कि ये आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, मैं यहाँ पे जूतियां पहन के नहीं जा सकता। इस तरह के लोग भी हैं। तो वो चीज़ जो है वो तो हर दिल में आम है। इल्म तो कम लोगों के पास होता है, उसकी क्या हैसियत है उस चीज़ के सामने जिसने हमें अगले जहान में ऊंचाइयाँ दिखानी है। इल्म तो इस जहान की जो है वो महल है जिसको हम आजकल के लाश के साथ धो के, आजकल के उलमा से अगर बात की जाए तो वो इज्तिहाद करके आपको मसाइल बयान करते रहते हैं। तो इकबाल ने जरा इज्तिहाद पे कुछ और अपना नजरिया, इज्तिहाद का बेसिकली जो मतलब होता है ना, मैं आपको एक बात समझा दूं। जी इज्तिहाद का मतलब होता है हरकत, मूवमेंट आगे की तरफ, मूवमेंट क्योंकि पीछे की तरफ नहीं होती, नेगेटिव होती है पीछे की तरफ मूवमेंट, आगे की तरफ मूवमेंट होती है। तो इज्तिहाद को एक हम लेते हैं मजहबी तनाजुर में। अब दीन इस्लाम में जो सोर्सेज ऑफ लॉ या फिका की स्कूल्स ऑफ थॉट की सोर्सेज हैं वो बुनियादी तौर पर दो सोर्सेज, कुरान मजीद और सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कोई इंसान रद्दो बदल नहीं कर सकता। पर जो आपके स्कूल्स ऑफ थॉट या फिका के स्कूल्स डेवलप हुए हैं, उम्बली, हनफी, मालकी, ये ज़ुहूर इस्लाम के 300-400 सालों के बाद डेवलप हुए हैं, और उस वक्त से लेकर अब तक हम उन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर काम कर रहे हैं जो कुरान मजीद और अहादीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा एस्पेक्ट्स हैं कुरान मजीद के जो कि इंसानी सोच का नतीजा है। उनमें अल्लामा साहब ने तब्दीली लाने की जो काविश है उसकी बात की हुई है जिसकी आप इज्तिहाद की बात कर रहे हैं कि ये जो हमारे मजहब में ऐसी चीज़ें शरीयत में दाखिल हो चुकी हैं जिनका इस्लाम की बुनियादी रूह से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको वक्त के गुजरने के साथ साथ वक्त के साथ हम आहंगी देने की ज़रूरत है जो कि सिर्फ इज्तिहाद के ज़रिए हो सकती है। इज्तिहाद इज़ एन इस्लामिक प्रिंसिपल। हम कई मौके आए हैं जहाँ पर इज्तिहाद किया जा चुका है, तो वो एक एस्पेक्ट है जो कि अल्लामा इकबाल साहब की सोच का है जिस पर अभी तक मेरे नज़दीक काम नहीं हो सका, क्योंकि मौलाना हजरात जिन्होंने अपनी दुकान चमकानी होती है इस्लाम के अंदर बुनियादी तौर पर, इस तरह मौलाना साहब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई भी मुसलमान नमाज की इमामत भी करवा सकता है, जनाजा भी पढ़ा सकता है, जो भी निकाह भी पढ़ा सकता है, वो कहता है जी मौलवी के बगैर आप ये नहीं कर सकते, वो मौलवी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कोई भी मुसलमान वो चीज़ें कर सकता है, पर मौलाना हजरात उस चीज़ को अपना जो उन्होंने बनाया हुआ है उस चीज़ को तब्दील नहीं करना चाहते। तो अब ऐसी भी रवायात मौजूद हैं जो कि वक्त के गुजरने के साथ, मतलब कुरान और सुन्ना के अलावा ऐसी रिवायात इस्लाम में दाखिल हो चुकी हैं जिनका इस्लाम की बुनियादी रूह से कोई ताल्लुक नहीं है और वो अभी तक मौजूद हैं, तो उनकी तब्दीली के बारे में अल्लामा साहब ने बात की है। पर जो इज्तिहाद का दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है इज्तिहादी सोच। बिल्कुल, इज्तिहादी सोच पैदा करना, आगे बढ़ने की सोच पैदा करना, नए जहान पैदा करने की सोच पैदा करना, नई दुनियाएँ दरियाफ्त करने की सोच पैदा करना, वो अल्लामा साहब का ज़्यादा अहम पैगाम है और वो है ही पैगाम नौजवान नस्ल के लिए। इज्तिहादी सोच पैदा करें, आगे बढ़ें, नई दुनियाएं दरियाफ्त करें, नए जहान पैदा करें। ये मुल्क, ये रियासत हमारे से वजूद में आप लोगों के लिए आई थी, मेरे लिए या मेरे वालिद के लिए नहीं। कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल ने ये सब कुछ किया था। कायदे आज़म ने अपनी सारी जायदाद, इतने अमीर आदमी थे, अपने ज़माने के सबसे कामयाब वकील थे, सारी जायदाद जो थी, आप उनकी वसीयतनामा कभी पढ़ें, 1939 में उन्होंने अपनी वसीयत लिखी थी, अपनी सारी जायदाद 3 मुसलमान तालीमी इदारों को वक्फ कर गए थे। आज भी वो वसीयत कायम है, किसी को पता ही नहीं, कोई बताता नहीं है। पढ़े तारीख में, पढ़े अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सिंध मदरसतुल इस्लाम और इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पिशावर, 3 तालीमी इदारों को उन्होंने अपनी औलाद को कुछ नहीं छोड़ा, अपनी बहन को कुछ नहीं छोड़ा, सिवाय सालाना उनको कोई इनकम थी और वो भी ये था कि जब ये वफात पा जाएंगी तो वो पैसे भी इन इदारों को जाए, मुसलमानों की तालीम के लिए वक्फ किए हैं उन्होंने। तो ये सब कुछ अल्लामा साहब ने और कायदे आज़म ने आप लोगों के लिए किया था। कोई इसलिए नहीं किया था कि ये 2 या 3 खानदान
बैरून मुल्क बैठ के हमारे पे हुक्मरानी करें। आप अपने अंदर जो मैं हर दफा आपके साथियों को, शहीर सालवी साहब को, दूसरे साथियों को यही कहता हूँ कि ये इस तरह की स्टेट यूथ पार्लियामेंट और इस तरह की तंजीमें और ये सारी चीजें करने का क्या फायदा है जब तक आप उनको अगले मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाते। आपका मंतकी जो अंजाम है इन सारी काविशों का वो है ही ये कि आप अपने अंदर कायदाना सलाहियतें पैदा करें, अपने इलाकों में काम करें, अपने हलके बनाएं, वहां से इलेक्शन लड़ें, मुंतखब हों, वाकई हकीकी तब्दीली लेके आए। ऐसी तब्दीली ना लाएं जो बराए नाम हो और जिसका असर कोई ना हो। आपने वतन पे आगे बात चलते चलते तो मैं आपसे ये भी पूछ लूँ कि वतनियत का जो नज़रिया है इकबाल का, वो एक शेर है, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैराहन इसका है वो मज़हब का कफन है, तो ये नज़रिया तो आजकल की सियासी और जो समाजी वैल्यूज़ हैं उनके बड़ा ख़िलाफ़ है। वो जो कॉन्सेप्ट है ना जो अलामा साहब ने इस शेर में बताया वो है वतनियत ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी। ये जब सल्तनत उस्मानिया थी उसमें एक मुल्क था ऑन द बेसिस ऑफ मज़हब, उसमें मुख्तलिफ कौमें थी, सऊदी अरब थे, ज़्यादातर अरब थे और अजम थे। जब अंग्रेज़ ने पहली जंग अजीम जीती है तो उसने सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े करके कौमियत की बेस पे रियासतें तामीर की। ये वतनियत उसके बारे में है। इस्लाम के नाम पे जो रियासत तामीर की गई है जिसका मनसूबा अलामा साहब ने बनाया वो पाकिस्तान वाहिद रियासत है दुनिया में जो कि इस्लाम के नाम पे बनाई गई, वरना बाकी सारी मुस्लिम रियासतें जो हैं वो कौमियत के नाम पे हैं। अच्छा, एक तबका ऐसा भी मैंने सुना है जो कहता था कि इलाहाबाद ऐसे एक जैसे पाकिस्तान बना है वैसे पाकिस्तान नहीं, वो जहाँ जहाँ मुसलमान रियासतें थी वहाँ वहाँ उनकी हुकूमत चाहते थे। नहीं, ये कोई इतना दुरुस्त तो नहीं है, पर वो चाहते थे कि जहाँ जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ वहाँ, तो वो तो यही दो खिते थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, तो वो तो वही पाकिस्तान बना। पर अलामा साहब का जो एक पैगाम था कि अगर हमारे में इत्तेहाद हो तो हम मज़ीद चीज़ें हासिल कर सकते हैं, अगर तब भी मुसलमानों में इत्तेहाद होता तो हमारी सिचुएशन आज वाली ना होती। इस पाकिस्तान में जो पाकिस्तान ये बना है इसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है इसके जियोग्राफिक लिमिट्स का तय करने का, क्योंकि उनका उनकी काविश ये थी कि ऐसा जिसको पंजाबी में कहते हैं ना टूटा फूटा टूटा भजा पाकिस्तान बना दें कि ज़्यादा देर चल ना सके। तो ये जो रियासत बनी हुई है ये उनकी बनाई हुई है। इकबाल के दौर में भी एक मकतबा फिक्र ऐसा था जिसने ये नारा लगाया कि वतन जो है वो एक कौम बनाता है, तो आपका वतन एक है तो कौम भी एक है, तो ये बड़ी सरीहन मुखालफत थी। हाँ जी, वो क्या नाम था उसका, तो जी मैं नहीं जा रहा था कि नाम लूँ, लेकिन अच्छा। अभी भी वो ऐसा तबका मौजूद है जो ये कहता है कि आपको यहाँ पे जो है क्लासेस बनाने की या दो कौमी नज़रिए की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास एक ज़मीन है तो आप एक कौम है, तो उस हवाले से आप क्या जवाब देना चाहिए? देखिए ना, हज़रत अल्लामा का कॉन्सेप्ट तो ये था कि इस्लाम इन इटसेल्फ कौमियत की बुनियाद है, हम मुसलमान हैं तो हम एक कौम है, इसी की बुनियाद पर ये पाँच या छः कौमें हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में बसती हैं। जब बंगाल आपके साथ था दो तीन और कौमें थे, बंगाली थे, असामी थे, वो उनके और चार कबीले थे बंगालियों के, पाकिस्तान में पंजाबी हैं, सिंधी हैं, बलोच हैं, पठान हैं, कश्मीरी हैं, हज़ारा हैं और बहुत सारे हैं। जो कौमियत इस्लाम की कौमियत मुसलमान कौमियत की बुनियाद पे जो रियासत क्रिएट की गई थी ये इन सारी कौमों को मिला के एक कौम बनाना था, और मेरा जहाँ तक ख्याल है बतौर पाकिस्तानी रियासत हम उसमें बहुत हद तक कामयाब हो गए। अब हम ये नहीं कहते कि हम पंजाबी बलूची सिंधी पठान हैं, हम कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, पहले पाकिस्तानी हैं, हमें फ़ख्र है इस बात पे। तो ये जो लोग कहते हैं दो कौमी नज़रिया गलत है, वो दो कौमी नज़रिया ऐसी अटल हकीकत बन गई है जिसको कोई डाउट नहीं कर सकता या नफी नहीं जिसकी कोई कर सकता पाकिस्तान की सूरत में। पाकिस्तान में हमारा भी है, शायद ये सिर्फ पाकिस्तान में है कि अगर किसी बच्चे को स्टूडेंट को मैट्रिक या एफए के अगर 10 शेर इकबाल के आते हैं ना तो उसमें से 7-8 जो होते हैं ना वो इकबाल के होते ही नहीं है। 7-8 तो नहीं, 2-3 तो नहीं होते। आज ही क्लास में पूछ रहा था, अब उसके ऊपर हमने काफी काम किया है। 4-5 शेर जो हैं वो जैसे एक बड़ा मशहूर शेर है तुम दिए बाद में, हां वो तो है ही नहीं अलामा साहब का। अब ये हर अलामा साहब का उकाब घुबराया नहीं करता है शाहीन, हां पहली बात वो ये था। तो इस हवाले से क्या काम करने की जरूरत है टीचर्स को? टीचर्स को भी देखें, एक तो सीधी सी बात है कुलियात इकबाल शाया शुदा है, जो भी शेर है उसमें पहले देख ले कि मौजूद है कि नहीं, अगर उसमें नहीं है तो इसका मतलब है अलामा साहब के कलाम का नहीं है, सिंपल सी बात है। बाकी अब ये सोशल मीडिया पे मुझे खुशी है कि ये बहुत ज़्यादा, ये इब्तदा एक सोशल मीडिया पे पेज था अलामा साहब का, उससे मेरे दोस्त ही थे उन्होंने की थी,
कि ये गलत शेर है, इनको ना मंसूब किया जाए। अब वो मूवमेंट सोशल मीडिया पे इतनी फैल गई है कि रोज उसके कोई ना कोई, लोगों को अंदर अवेयरनेस आ गई है। ये हमने आज से कोई 8 साल पहले 2011-12 में शुरू किया था सिलसिला, तो अब लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि उनको पता है कि कौन सा शेर अल्लामा साहब का है कौन सा नहीं है। फिर भी लोग मतलब गलती कर जाते हैं, ऑफकोर्स इंसान है। मैं चाहता हूँ कि आप इख्तितामी जरा इकबाल के कोई 2-4 शेर हमारे गोश गुजार कर दें नसीहत के तौर पर, और उसके बाद आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना ये कीमती वक्त दिया। मैं दो मुख्तलिफ शेर आपको बता देता हूँ। पहली तो बात यह है कि अल्लामा साहब ने हमेशा जो तरजीह दी है और जो पैगाम दिया है लोगों को और जो तवक्को रखी है वो ये है कि आप किसी को फॉलो नहीं करेंगे ब्लाइंडली, तकलीद नहीं करेंगे, इज्तिहादी सोच पैदा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो उस हवाले से आजकल जो हालात मैं देखता हूँ तो उसमें अल्लामा साहब के अशआर मैंने इधर स्टेज पे भी पढ़े थे, हयात मुझे नुक्ता है सलमान है खुश आहंग, दुनिया नहीं मर्दान है जफा कश के लिए तंग, चीते का जिगर चाहिए शाही का तजस्सुस, जी सकते हैं बे रोशनी है दानिश व फरहंग, कर बुलबुल ताऊस की तकलीद से तौबा, बुलबुल फकत आवाज है ताऊस फकत रंग। आप खुद अंदाजा लगा ले अजकल ताऊस केड़ा है बुलबुल केड़ी है, जिन्ना और रौला पा रहे थे सानू गुमराह कर रहे हैं। तो एक तो ये इशार है अल्लामा साहब के। दूसरा जो मुझे नौजवान पूछते हैं कि जी अल्लामा साहब की शायरी का लुबे लुबाब या क्रक्स या मेन पैगाम या बड़ी चीज वो बताएं, तो वो जो यहाँ पे भी इशार और ये मकबूल जान साहब ने भी पढ़े थे जो कि जवाब शिकवा का आखिरी बंद है, उसमें अल्लाह ताला के वो मैं पूरा बताता हूँ ना आपको, वो अल्लाह ताला के अल्फाज अल्लामा साहब अपने कलाम में दोहराते हैं जिसमें अल्लाह ताला का फरमान है, अकल है तेरी सिपर इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी, माँ सेवा अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी, ये अल्लाह अकबर कह के हम जाते हैं, तू मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी। अब अल्लामा साहब की जो तदबीर थी अलहदा रियासत मुसलमानों के लिए, अल्लाह ताला ने उसको करोड़ों मुसलमानों की तकदीर बना दिया पाकिस्तान की सूरत में, और उस जगह तक मुकाम तक किस तरह पहुँचना है वो अगला शेर है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम, यहाँ तो कलम टूट जाता है। बस बहुत जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका।